आपने कांग्रेस नहीं छोड़ी, आपके साथी गणक चाहे चाहे आपके जलासे कहे गोविंद सिंह राजपूत, कांग्रेस छोड़ के चले गए सिंधिया के साथ, आज मंत्री, आपको क्या ऑफर नहीं आए कि आप क्यों नहीं गए? हर्ष यादव हो चाहे जीवन पटेल हो, ये वो मिट्टी के लोग हैं जो किसान पुत्र के परिवार से जुड़े जन्म में लिए हम लोग हैं। कभी ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। जहाँ तक ऑफर की बात है, बहुत ऑफर आए और आते रहते हैं, मगर हमारा जीना मरना कांग्रेस संस्कृति में रहा है, कांग्रेस पार्टी में रहा है। और हमारे नेता, हमारे आदर्श कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में बुंदेलखंड में सर्वाधिक सीटें मध्यप्रदेश में कहीं आएंगी तो बुंदेलखंड से आएंगी। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार, बात की जाए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अंचल क्षेत्र, जहां पर लगातार राजनीति का एक संग्राम छिड़ा रहता है। लगा मंत्री भी बहुत हैं, लेकिन विकास की स्थिति क्या है? सागर जिला और सागर संभाग से हमारे साथ हर्ष यादव हैं, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे, वरिष्ठ विधायक भी माने जाते हैं, अनुभवी नेता। कैसे देखते हैं आप राजनीति के तौर पर, क्या विकास है? खाद बीज की बड़ी समस्या चल रही, किसानों को बिजली नहीं समय पर मिल पा रही, क्या स्थिति है? देखिएगा, ये 18-19 साल वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा यदि शुरू हुई है, तो वो कार्यकर्ता जिसके पास किराए की साइकिल नहीं हुआ करती थी, उसकी विकास की यात्रा शुरू होकर सफारी पे पहुंच गई, शिकारी पे पहुंच गई। मंत्रियों का हाल ये है, मदमस्त हैं, आज करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आज बुंदेलखंड के विकास की यदि किसी ने सोची थी, कल्पना की थी, तो वो हमारे नेता थे राहुल गांधी जी, जिन्होंने बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे बहुत बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश को दिया था, उत्तर प्रदेश को दिया था। मगर दुर्भाग्य की बात है, भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ गया। यदि विकास की हम इबारत लिखने की बात आई थी, तो चाहे कमलनाथ जी का सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री थी उनके कार्यकाल की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में 15 महीने के कार्यकाल की बात हो, जो विकास की इबारत लिखने का काम कमलनाथ जी ने किया था, दी निश्चित रूप से आज कांग्रेस की सरकार होती तो दिखाई परिलक्षित होता, दिखाई देता कि बुंदेलखंड की तस्वीर और तस्वीर बदल गई होती। आज यदि सबसे ज्यादा परेशान यदि मध्य प्रदेश में कोई क्षेत्र है तो बुंदेलखंड है। चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, बेहद परेशान है। किसान के लिए ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। ट्रांसफार्मर की हालत है कि एक एक महीने बाद ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं, 10 घंटे की बिजली की बात करने वाली सरकार की हालत यह है, उसके से 2 या 3 घंटे लाइट मिलती है, उसमें भी वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, पावर कट की प्रॉब्लम होती है, बेहद परेशान है किसान। बीमा की राशि पर पैसा काटा जाता है, बीमा की जिस राशि कभी किसान को मिलती नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लूट है पूरे प्रदेश में, लूट मची है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक लूट है तो बुंदेलखंड में। सागर जिले की बात की जाए, दो मंत्री सागर से हैं, दमोह से एक मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, बड़े नेता हैं, बड़े माने जाए, लेकिन सागर का जो विकास है, सागर का वो विकास नहीं हुआ, चाहे शहर का देखें, आप चाहे साफ सफाई का मुद्दा उठा लें, चाहे तमाम आप कोई भी ऐसा मुद्दा उठा लें जो विकसित नहीं हुआ, आप कैसे देखते हैं? क्या नेताओं को गंभीरता नहीं ली है बड़े नेताओं? मेरे सागर की जो आप बात कर रहे हैं, सागर जिले में 3 मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर हैं, 2 सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, 5 मंत्रियों का क्षेत्र है हमारा सागर। मगर दुर्भाग्य की बात है, चाहे स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे अन्य कोई योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, चाहे केंद्र से संचालित हों, चाहे मध्य प्रदेश से संचालित हों, विकास के नाम पर मात्र कागजी कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार की भेंट सभी योजनाएं चढ़ चुकी हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव आप कैसे देखते हैं? आप एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपने कांग्रेस नहीं छोड़ी, आपके साथी गणक चाहे चाहे आपके जलासे कहे गोविंद सिंह राजपूत, कांग्रेस छोड़ के चले गए सिंधिया के साथ, आज मंत्री, आपको क्या ऑफर नहीं आए कि आप क्यों नहीं गए? हर्ष यादव हो चाहे जीवन पटेल हो, ये वो मिट्टी के लोग हैं जो किसान पुत्र के परिवार से जुड़े जन्म में लिए हम लोग हैं। कभी ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। जहाँ तक ऑफर की बात है, बहुत ऑफर आए और आते रहते हैं, मगर हमारा जीना मरना कांग्रेस संस्कृति में रहा है, कांग्रेस पार्टी में रहा है। और हमारे नेता, हमारे आदर्श कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में बुंदेलखंड में सर्वाधिक सीटें
मध्य प्रदेश में यदि कहीं आएंगी तो बुंदेलखंड से आएंगी। 2018 में क्या जिस प्रकार से 22 विधायक अभी 2018 के गए हैं, क्या 2023 में क्या ऐसी ऐसी देख सकते हैं, ऐसी राजनीति होगी? कोई राजनीति नहीं होगी, इतना प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन देने के लिए तैयार बैठी है। यदि आज इलेक्शन हो जाए तो कम से कम 170+ सीटें कांग्रेस सरकार बनाने के लिए मिलने वाली हैं। कोई आएगा आयाराम गयाराम, अब कहीं कोई बालवा का करने वाला नहीं है। जो आपके जिले और आपके आजू बाजू जिले से जो पार्टी छोड़ के गए हैं जो विधायक, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे विधायकों की वजह से विधायकों के ऊपर भी तो आ जाती है? वो जनता संदेश देगी, उनके लिए मैं क्या संदेश दूंगा। जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता उनको संदेश देगी। ठीक तो हर से यादव थे कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं देवरी विधानसभा से, जो सागर जिले में है, लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।